उसमें उस मुद्दे से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिससे घटनाक्रम और उस पर प्रकाश पड़ेगा और घटना से जुड़े कुछ अन्य बिंदु स्पष्ट होंगे, जैसे कि जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो गजट्स हैं उससे जुड़े हुए डाटाबेस का निकलना, परिजनों के और डिटेल्स में जो उनके बयान हैं, तीसरे जिस युवक के बारे में बात आई है कि उसे शादी तय हो रही थी, उससे पास कुछ इस तरह के मैसेज या कुछ संदेश हो तो उसको लेना, इन सारे मुद्दों पर बिंदु पुलिस काम कर रही है और भी कुछ जुड़े हुए संवेदनशील बिंदु हैं जिन पर पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। बहरहाल अपराधी बाहर ना जाए, इसलिए जो संदेही हैं मुख्य तौर पर बाहर ना जाए, इसलिए लुकआउट की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन खास तौर पे पुलिस इन सारे तथ्यों पर विश्लेषण के बाद, उनके सारे तथ्यों को मिलने के बाद पुलिस उन पर अंतिम निष्कर्ष पर जाएगी। मैं खास तौर पर इस पूरे मामले में जो भी आरोपी है, पहली पुलिस की प्राथमिकता है कि लुकआउट नोटिस इसमें जारी हो ताकि विदेश भागने की संभावना खत्म हो जाए, और उसके अलावा जो गजट से जुड़े जो जानकारियाँ हैं, चूँकि इस घटनाक्रम में दो लोगों के बीच जो संवाद हुआ होगा, जो जानकारियाँ होंगी वो गजट्स के ठीक से तफ्तीश के बाद में और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आने के बाद में स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी, इसलिए पुलिस उन मुद्दों पर भी काम कर रही है।